always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. Hi guys, welcome to All Mobile Solution. My name Dilshad Hussain. दोस्तों XR के बारे में आपको बताऊंगा. दोस्तों ये फोन सब ओके है और इसके अंदर खाली हाउसिंग रिप्लेसमेंट कर गए कन्वर्ट बॉडी के बारे में. तो XR टू 14 प्रो के बारे में कन्वर्ट कर गए और जो लेटेस्ट मोबाइल आईफोन 14 प्रो के बारे में डीप पर्पल रिप्लेस कर गए. आप दूर से वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों. और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है दोस्तों, तो आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी. ऑल मोबाइल सॉल्यूशन में नियर क्रॉफर्ड मार्केट में है. मुंबई से बात कर रहे तो आप आ सकते हैं, सेम टाइम पे आपको बनाकर मिल जाएगा आईफोन XR 2 14 प्रो डीप पर्पल कलर का. चलो स्टार्ट करते हैं. दोस्तों आईफोन XR के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके अंदर बॉडी रिप्लेसमेंट करेगा जो हाउसिंग होती है 14 प्रो के बारे में. मॉडल पहले आपको दिखा देता हूं, प्रॉपर आईफोन XR के बारे में बता रहा हूं. फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता हूं और इसका जो टेम्परेचर रहता है आपको हीटिंग करना रहेगा. फ़ोन एकदम प्रॉपर वर्किंग है, कुछ इशू नहीं है दोस्तों. खाली इसके अंदर कस्टमर का डिमांड है 14 प्रो करके चाहिए उनको. तो हाउसिंग मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये ऑलरेडी पूरी असेंबली है. इसके अंदर खाली जो जो मेन पार्ट होते हैं वो लगाना रहेगा. वाटर रेजिस्टेंट और बैटरी स्टिकर दोनों मिलेगा IP68. तो आपको परचेस करना है हमारे स्टोर में तो आप आ सकते हैं, या दूर से देख रहे तो कुरियर भी करके आपको मिल जाएगा दोस्तों. तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बेफिक्र होकर आप भेज भी सकते हैं, आपको रिपेयर भी करके मिल जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना रहेगा दोस्तों, 50 से 60 टेम्परेचर हीटिंग करके आपको डिस्प्ले जो फ्रंट है वो निकालना रहेगा. हीटिंग करके निकालेगा तो डिस्प्ले में कुछ इश्यू नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सील रहता है, वाटर रेजिस्टेंट IP68 होता है. तो हीटिंग हो गया है, ओपन करता हूँ दोस्तों. और लेफ्ट और राइट की तरफ से आपको जो ट्यूज़र रहेगा उसको सेफ्टी से करना रहेगा, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, केयरफुली से आपको करना है. क्योंकि डिस्प्ले का जो स्ट्रिप होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रिप टच वो वर्किंग नहीं होगा, तो केयरफुली से आपको करना है. और टॉप पे आप देखोगे जो स्पीकर और कैमरा सेल्फी कैमरा होता है और फेस आईडी भी रहती है, तो उसको भी ध्यान देके ही आपको काम करना रहेगा. तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो स्टेप आप पूरा करेंगे और उसमें कुछ भी इश्यू नहीं आएगा दोस्तों. तो ये निकल चुका है और इसके ऊपर जितने भी स्क्रू है स्टील के उसको ओपन करना रहेगा. और ये जो पार्ट्स निकल रहा है वो सेम टू सेम आपको 14 प्रो में असेंबली करना रहेगा, फिट करना पड़ेगा सेम टू सेम, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए. ये फेस आईडी और डिस्प्ले का दोनों निकल चुका है दोस्तों. अब इसके बाद क्या करना रहेगा, जो नीचे का स्टील है 3 स्क्रू का है वो भी ओपन करना रहेगा. और ये निकालने के बाद दोस्तों पहला क्या करना रहेगा, जो बैटरी का जो कनेक्टर होता है जो स्ट्रिप वो रिमूव करना रहेगा, क्योंकि पावर सप्लाई मिलता है मदरबोर्ड को तो शॉर्टिंग होने का चांस रहता है, तो उसको भी रिमूव कर लेना कनेक्टर को. और फिर उसके जितनी भी स्ट्रिप है आपको निकालना रहेगा और ज़्यादा फास्ट नहीं करना है दोस्तों, कैसा डेलिकेट होता है स्ट्रिप शॉर्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा इस वजह से. तो ये पावर बटन है जो कनेक्टर है उसको रिमूव करना रहेगा. और उसके बाद कैमरे का है वो भी निकालना है और फेस आईडी की जितनी स्ट्रिप है वो भी निकालना रहेगा. और उसके बाद क्या करना रहेगा, जो बैटरी के जो स्टिकर्स रहते वो निकालना रहेगा. तो ऑलरेडी मैं निकाल लिया, एकदम ईजी है दोस्तों, वीडियो लंबा बन जाएगा इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले से निकाल चुका हूँ. ये निकालने के बाद आपको एकदम प्रॉपर फिट करना रहेगा और जो ऊपर के स्टिकर्स रहते हैं वो आपको बराबर बिठाना रहेगा. दोस्तों आपको कुछ भी ऐसा समस्या लगती है, कोई भी फ़ोन रिपेयर में या तकलीफ आती है तो आप स्टोर में भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नंबर दिया हुआ है दोस्तों. और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मिल सकता है, नियर मुंबई से क्रॉफर्ड मार्केट से हमारा स्टोर है दोस्तों. तो दोस्तों बैटरी हो गया. अब फेस आईडी के जो 3 स्ट्रिप होती है वो भी केयरफुली आपको निकालना रहेगा. कभी भी याद रखो जो ऊपर की स्ट्रिप होती है वो निकालने के बाद ही नीचे और एक रहता है, तो गलती से आप निकालने का डायरेक्ट मत निकाल देना, क्योंकि गमिंग रहता है इसके नीचे, ज़्यादा रहेगा तो आपका स्ट्रिप क्रैक हो सकता है. ज़्यादा करके 50 से 60% ये रहता है जो निकालते हैं फेस आईडी ब्रेक हो जाती, तो उस वजह से फेस आईडी चलता नहीं है, तो वो केस में क्या रहता है रिप्लेस करना पड़ता है. तो ये निकल गया है दोस्तों और जितने स्क्रू है आपको वो भी केयरफुली से आपको ओपन करना रहेगा.
दोस्तों आईफोन में जो भी मॉडल्स होते हैं वो आपको रिपेयर करना रहेगा तो हमारे स्टोर में लेके आ सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, जो कन्वर्ट बॉडी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आईफोन में कोई भी मॉडल करते पार्ट्स के बारे में, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, बैटरी, जो भी रिप्लेस करना सब कुछ है। दोस्तों मदरबोर्ड का स्ट्रिप निकल चुका है जो स्क्रू रहता, और सिम स्लॉट आपको ओपन करना रहेगा क्योंकि वो जब निकालेगा तो आपका मदरबोर्ड रिमूव होएगा। नीचे डबल स्क्रू रहता है सिम स्लॉट के इधर, उसको ओपन करना रहेगा। और मदरबोर्ड का भी सिंगल स्क्रू का रहता है स्टार में, ये निकल गया। कैमरा ऊपर का स्टील निकाल के कैमरा रिमूव करना रहता, कैमरे के ऊपर जो स्टील रहता वो भी आपको बैठाना रहेगा। छोटे से बड़ा पार्ट जो रहेगा आपका 14 प्रो में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और पूरा फिट करना पड़ेगा, इसमें एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आपका प्रॉपर फिटिंग रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। और इसके अंदर कैसे ओरिजिनल रहना चाहिए बॉडी, क्योंकि ये कैसा 14 का स्टील बॉडी मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आती है इसके अंदर सादा रहता जो जर्मन के जैसा रहता है, वो एकदम प्रॉपर नहीं रहता है, तो आपको मदरबोर्ड बिठाना रहेगा। मदरबोर्ड बिठा के पहले आपको देखना कंफर्टेबल बराबर स्क्रू के साइज में जो रहता है वो बराबर बैठा है या नहीं बैठा है। कंफर्टेबल बैठ चुका है दोस्तों। तो इसके अंदर चार्जिंग स्ट्रिप लगाना है, वायरलेस जो रहता है केबल स्ट्रिप वो भी चेक करके प्रॉपर बिठाना रहेगा। और जो भी कनेक्टर रहता है वो प्रेस होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, ज़्यादा लूज नहीं रहना चाहिए कनेक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी का इश्यू आता है दोस्तों, नेटवर्क का या वाईफाई का। तो कनेक्टर आप एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेने का, बराबर बैठा है नहीं बैठा फ़ोन पैक होने से पहला। उसके बाद पूरा स्क्रू जैसा है वैसे का वैसे ही लगाना आपको सेम टू सेम। ये बैठ चुका है दोस्तों। और इसके अंदर फर्स्ट क्या रहता है दोस्तों, जो स्क्रू मदरबोर्ड पर बैठाते पहले आपको लूज करके लगाना है, एकदम फास्ट नहीं करना है, पूरा फिट नहीं करना है क्योंकि ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा होएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। सिम स्लॉट नीचे बिठाने के बाद जो स्क्रू रहता है वो भी बिठाना रहेगा। और इसके अंदर नेटवर्क का एक एंटीना रहता है जो डिस्प्ले पर टच होकर फ्रिक्वेंसी के लिए और फास्ट होता है, तो पित्तल का रहता है, वो भी आपको बिठाना रहेगा। स्क्रू आपको एकदम ज़्यादा टाइट नहीं करना, एक नॉर्मली जैसा बेसिक होता है टाइट वैसे ही करना रहेगा। कनेक्टर आपको पूरा देखना है केयरफुली से, पूरा फिट है या नहीं फिट है। ये लास्ट का एक बार फिर से मैं टाइट कर लेता हूँ, पूरा स्क्रू फिट हो गया दोस्तों। आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर पूरा फिटिंग है एक कंपनी के जैसा। उसके बाद जो कैमरे का लेंस है उसको क्लीन कर लेना, और जो बॉडी हाउसिंग है उसको भी क्लीन कर लेना। ऑलरेडी क्लीन है फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम परफेक्ट बैठ गया। 14 प्रो है, डीप पर्पल कलर। ऊपर का ये जो स्टील है ये आपको बैठाना रहेगा, कैमरे का है। कभी फ्यूचर में कैसा होता आप यूज़ करते या फ़ोन आपका सडनली गिरता है, कुछ होता है जो भी पार्ट, तो उसके अंदर ओपन नहीं होता है। ये पूरा स्क्रू बैठ चुका है दोस्तों। वीडियो जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में ही बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर भी इसको इतना वीडियो बनाया फिर भी ये लॉन्ग वीडियो बन चुका है दोस्तों। अब पूरा प्रॉपर आप लोग को समझाना पड़ता है ना, ऑल मोबाइल सॉल्यूशन क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देगा, जब भी आपको आइडिया मिलेगा और आपको भी पता चलेगा ऑल मोबाइल सॉल्यूशन कैसा काम करते हैं। फेस आईडी पे प्रॉपर आपका लॉक बैठना चाहिए, राइट और लेफ्ट की तरफ बराबर प्रेस करके आपको जो कनेक्टर रहता है बराबर बिठाना रहेगा। इसके अंदर अप डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर रहेगा जो गिलास सेंसर का रहता डॉट प्रोजेक्टर, उसके अंदर डिस्प्ले जब बिठाओगे तो आपका जो गिलास है वो डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए बराबर वो स्क्वायर में बराबर बैठना चाहिए जो रिंग रहता कैमरे और सेंसर की, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से आप फाइंड आउट कर लो क्योंकि एक बार गलती हो जाएगी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बैठ चुका है। बैटरी भी, बैटरी का कनेक्टर कभी भी याद रखो बराबर बैठना चाहिए, कनेक्टर लूज नहीं रहना चाहिए। लूज रहेगा तो उसमें यह रहेगा आपका जो पावर ऑन तो हो जाएगा दोस्तों, पर आप चार्जिंग लगाओगे तो उसके अंदर रिमेनिंग लिख के आ जाएगा, तो उसमें चार्जिंग परसेंट जो रहता है वो बढ़ेगा नहीं।
वाटर रेजिस्टेंट IP68 आपको बिठाना रहेगा पूरा फाइनली बैठने के बाद। ये एक ही बार बैठता है दोस्तों, जो भी आपको करना रहेगा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर रेजिस्टेंट सील आपको दूसरा फिर से बिठाना रहेगा। ये बैठ गया है दोस्तों, निकाल लेता हूँ मैं, प्रॉपर बैठ गया है दोस्तों। और डिस्प्ले आप बिठाओगे दोस्तों तो एकदम सेफ्टी से बिठाना रहेगा, कनेक्टर प्रेस होना चाहिए, सिम स्लॉट भी एक बार डाल के आप चेक कर लेने का फाइंड आउट, मतलब बराबर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। कभी कभी क्या रहता है ऊपर अप डाउन रहेगा तो सिम स्लॉट डालते तो सिम कार्ड निकलता नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान देना रहेगा। सिम स्लॉट पूरा बैठ चुका है और आजू बाजू डिस्प्ले के इधर डस्ट जो बैठा रहता है उसको क्लीनिंग करना रहेगा आपको, क्योंकि उससे ये फायदा रहेगा आप बैठाओगे तो उसके अंदर कचरा भी नहीं जाएगा और टाइट फिटिंग नहीं होगा तो प्रॉपर बैठ जाएगा, उसके वजह से लूज हो जाएगा, टाइट रहेगा तो डिस्प्ले पे प्रेशर जाएगा। तो ऊपर का जो स्पीकर दिया है सेंसर का दिया है वो आपको बिठाना रहेगा, ये भी कनेक्टर डिस्प्ले का और टच का दोनों स्ट्रिप प्रॉपर बिठाना रहेगा उसको भी साइड की तरफ। राइट साइड में जब स्ट्रिप जब डिस्प्ले बिठाते हैं तो कॉर्नर की तरफ स्ट्रिप दबना नहीं चाहिए जो स्टील रहता है, क्योंकि जब प्रेस करते तो प्रॉब्लम आ जाएगा नहीं तो डिस्प्ले कट जाएगा। ये पूरा बैठ गया, अंदर से भी आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा मिसिंग नहीं है। ये स्ट्रिप प्रेस करना रहेगा और ऊपर से राइट और लेफ्ट की तरफ से दोनों तरफ से प्रेस करके नीचे तक जाना है। ये डिस्प्ले की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है दोस्तों ये अंदर डाल के फिर प्रेस करना है, क्योंकि डायरेक्ट करेगा तो स्ट्रिप कट जाएगी। फाइनली बैठ चुका दोस्तों। बैठने से पहला पूरा जो रहेगा एक बार आप चेक कर लेने का फिर से दोबारा, बराबर बैठा है नहीं बैठा, हो गया दोस्तों। इसके बाद नीचे जो दो स्क्रू रहते हैं उसको भी बिठाना रहेगा, इसको भी फिट कर लेना आपको स्क्रू दोनों। पहला स्लो करके आप देखने का, बराबर फास्ट नहीं करना इसमें भी, नहीं तो स्क्रू आपका जो रहेगा ट्रेट घस जाएगा तो स्क्रू ओपन नहीं आएगा। बैठ चुका दोस्तों, ऑन कर लेता हूं मैं पीस। आप देखिएगा तो डिस्प्ले एकदम कट टू कट एक स्क्वायर में ही बैठा है, कुछ ऊपर अप डाउन नहीं, फ्लड डिस्प्ले बैठा है एकदम परफेक्टली। ब्राइटनेस आप देखिएगा पूरा फंक्शन चालू है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। मेन मसला क्या रहता है इसके अंदर जो ब्राइटनेस रहता है फ्लैश लाइट का, बहुत से और कस्टमर होते हैं बोलते हैं नहीं होता है, तो मैं आपको दिखा दिया फ्लैश के बारे में, सब वर्किंग होता है, कैमरा प्लस सब कुछ चल रहा, सेल्फी कैमरा। मेन इम्पोर्टेंट इसके अंदर फेस आईडी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कैन हो रहा फेस आईडी भी, मतलब ऐसा नहीं हाउसिंग आप रिप्लेस करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, सब कुछ प्रॉपर चलता वैसा फिटिंग करते हैं। आपके सामने दिखा है आपको भी पता चलेगा दोस्तों कैसा है, साउंड भी एकदम क्लियर है, सब कुछ है, वॉल्यूम बटन अप डाउन म्यूट बटन सब वर्किंग होता है दोस्तों। और इसके अंदर कैसा हाउसिंग XR की रिप्लेस हुआ है 14 प्रो में। ये ऑलरेडी फोन एकदम ओके था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर कस्टमर को चेंज करना था इसके लिए चेंज करके दिया डीप पर्पल। चार्जिंग भी वर्किंग हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर से मैं दिखा देता आपको। और इसके अंदर मेन और एक चीज होता है जो चार्जिंग होता है वायरलेस चार्जिंग, वो होता है आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से जन ये सोचते कन्वर्ट होने के बाद नहीं होता, तो प्रॉपर वैसा फिटिंग करते कुछ नहीं होता है, वायरलेस चार्जिंग भी चलता है, जितना चीज़ है सब वर्किंग होता है दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।